गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड डियर पेरेंट्स, आज हम लोग यूकेजी के क्लास में हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता है अभी सारा दोहराव कार्य जा रहा है। दोहराव कार्य मतलब जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है उन सभी चीजों का हम लोग एक बार फिर से पुनः दोहराव करते हैं, उसको हम लोग दोहराव कार्य कहते हैं बच्चों। तो अभी हम लोग जो कुछ भी दोहराव कार्य कर रहे हैं वो अपने सेकेंड टर्म के फर्स्ट 50 मार्क्स के लिए दोहराव कार्य हो रहा है। तो आज हम लोग अपने दोहराव में बच्चों अंग और चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग करके किस प्रकार प्रश्न बनता है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और इन मात्राओं से बने प्रश्न उत्तर को दोनों को देखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे अंग की मात्रा का प्रयोग होते हुए किस प्रकार से हम लोग प्रश्न परीक्षा में आता है, किस प्रकार से प्रश्न आप लोग सीखे हैं उसका दोहराव करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है बच्चों, अंग की मात्रा वाले शब्द लिखें। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अंग की मात्रा से बहुत सारे शब्द आप लोगों ने पढ़ा है तो उन्हीं शब्दों में से कुछ शब्द हम लोग लिखेंगे। जैसे कि अंग से क्या पढ़ा है आप लोगों ने, अनुस्वार ग। अंग अंग को हम लोग सीखे थे ना कि अनुस्वार भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अंग, अंश, अंगूर इत्यादि बहुत सारे शब्द हम लोगों ने सीखा था, उन्हीं में से अभी कुछ शब्द हम लोग लिखे हैं बच्चों। हमारा दूसरा प्रश्न है अक्षर और मात्रा जोड़कर लिखें। इसमें क्या करना है, अक्षर और मात्रा को जोड़कर लिखना है। झ अनुस्वार, ड आकार, ये क्या बन जाएगा बच्चों, वेरी गुड, झंडा। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है घ अनुस्वार, ट दीर्घई की मात्रा, ये क्या बन जाएगा, वेरी गुड, घंटी। ये सब पहले भी हम लोगों ने किया है बच्चों। तीसरा प्रश्न है चित्रों के नाम लिखें। ये चित्र बने हुए हैं, इनके नाम लिखना है। ये क्या दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, वेरी गुड, ये क्या है, आसमान में उड़ते देखे है ना, ये है पतंग। ये क्या है, हमारे देश का झंडा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तिरंगा। देश के झंडा को हम लोग तिरंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीन रंगों से बना है। चौथा प्रश्न है हमारा वाक्य बनाएं। तो प्रश्न है संख, संख से हम लोग क्या वाक्य बना सकते हैं आसान सा, संख बजा। पूजा होती है तो मम्मी संख बजाती है ना, वही संख। पतंग, क्या बनाएंगे हम लोग वाक्य पतंग से, राम पतंग उड़ा। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है खाली जगह भरें। यहाँ पूरा वाक्य दिया हुआ है, इसमें कुछ खाली जगह है, उनमें सही शब्द भर करके वाक्य को पूरा करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है भारत का डैश तिरंगा है। क्या तिरंगा है, तिरंगा किसे कहते हैं, वेरी गुड, क्या लिखेंगे हम लोग, भारत का झंडा तिरंगा है। दूसरा प्रश्न है राम डैश उड़ा, राम पतंग उड़ा, राम पतंग उड़ा। और बच्चों हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला विषय है प्रश्न उत्तर, प्रश्न और उत्तर जो कि अंग की मात्रा से बने हैं। अंग की मात्रा से बने प्रश्न उत्तर को अभी हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है मंजू का मामा कहाँ रहता था, कहाँ रहता था मंजू का मामा, लंका में, वेरी गुड। हम लोग क्या लिखेंगे, मंजू का मामा लंका में रहता था, पूर्ण विराम। हमारा अगला प्रश्न है पंजाब से कौन आया, तो पंजाब से कौन आया था बच्चों, पंजाब से कौन आया, पंजाब से संजय आया, वेरी गुड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पंजाब से संजय आया,
और पूर्ण विराम। तो इस प्रकार हमारा अंग की मात्रा समाप्त हुआ। अब हम लोग चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रश्न उत्तर और उनका प्रयोग करके किस प्रकार प्रश्न बनता है उसको देखें। अब हम लोग चंद्र बिंदु की मात्रा से बने सवालों को देखेंगे, जिसमें से हमारा सबसे पहला प्रश्न है, चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द लिखें। इसमें आपको कैसे शब्द लिखने हैं जो चंद्र बिंदु की मात्रा से बने हो। जैसे क्या लिखेंगे हम लोग, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है बच्चों, चंद्र बिंदु का प्रयोग पढ़ा था ना, आंख, सांप, मां, ऊंट इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से हम लोगों को कुछ शब्द लिखना है। दूसरा प्रश्न है, चित्रों के नाम लिखें। ये क्या है बच्चों, वेरी गुड, ये है सांप। ये क्या बना हुआ है, ये है चांद। तो चित्र देखना है और सही नाम को लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है, खाली जगह भरें। डैश हमने खेल देखे। हमने कहाँ खेल देखे, वहां, वहां हमने खेल देखे। दूसरा प्रश्न है, मीरा के पाँव में डैश चुभ गया। मीरा के पाँव में क्या चुभा, मीरा के पाँव में कांटा चुभ गया। और अब हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य बनाए। इसमें क्या करना है बच्चों, जो शब्द दिया हुआ है उससे हमें सही वाक्य बनाना है। तो हमारा पहला शब्द है चांद, चांद से हमें वाक्य बनाना है। तो हम वाक्य बनाएंगे, चांद निकल आया, चांद निकल आया, रात में चांद निकलता है ना बच्चों। दूसरा प्रश्न है, सांप, सांप से हमें बनाना है वाक्य। क्या बनाएंगे, सांप कैसा होता है, जहरीला, सांप को हम लोग नहीं छूते हैं ना, तो वाक्य बनाएंगे, सांप जहरीला है। उसी प्रकार से अब हम लोग दूसरे टॉपिक को, दूसरे विषय को देखेंगे, जो है हमारा प्रश्न उत्तर, यानी कि चंद्र बिंदु की मात्रा से बने प्रश्न और उनके उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, सपेरे ने किसका खेल दिखाया। तो सपेरे ने किसका खेल दिखाया, सांप का, वेरी गुड। सपेरे ने सांप का खेल दिखाया। उसके बाद पूर्ण विराम। दूसरा प्रश्न है, वहां हमने क्या देखा, वहां हमने क्या देखा था, वहां हमने खेल देखा, वहां हमने खेल देखा। फिर पूर्ण विराम। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने अंग और आह की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से प्रश्न में होता है और उनसे बने कुछ प्रश्न और उत्तर को भी देखा है। ये हमारा दोहराव कार्य था बच्चों, जिससे आपको मदद मिलेगी आगे पढ़ने के लिए, परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए। तो मन लगाकर वीडियो को देखिए और घर में अभ्यास करते रहिए बच्चों। धन्यवाद।